हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा पिंक आई लुक ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जैसे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो लेट इट स्टार्ट इन द वीडियो। मैंने यहाँ SFR का पैलेट यूज़ किया है, उसमें से मैं ब्राउन शेड लेके अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। अब बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसके साथ ही ब्लेंड कर दूँगी। देन मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेके डार्कर शेड अपने क्रीज लाइन पे और आउटर पे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरी क्रीज लाइन को डेप मिले। आउटर पे अप्लाई कर लेना अच्छे से। दोनों शेड को मैं आपस में ब्लेंड कर दूंगी। आईब्रो बोन पे मैं हाइलाइटर यूज कर लूंगी, जैसे आंखें थोड़ी बड़ी दिखें। मैं यहाँ पर एक नीट एंड शार्प ब्रश लेके हाफ कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी कंसीलर यूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। पिंक आई शेडो में कट क्रीज के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ब्राउन शेड लेके अपने पिंक की हार्श लाइन को एजेस को रिमूव करूँगी। दोनों एजेस को साथ में मर्ज कर दूँगी, जैसे दोनों शेड आपस में ब्लेंडिंग दिखे। मैंने यहाँ पर शिमरी शेड लिया है, उसे पिंक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ एक विंग आई लाइनर क्रिएट करूँगी। विंग आई लाइनर क्रिएट करते हुए आपको पेशेंट रखना है। ब्लू हेवन का मैं लाइनर यूज कर रही हूँ। ये हमारा विंग आईलाइनर क्रिएट हो चुका है। लोअर लैश को मैं कंप्लीट करूंगी ब्लू आई शेडो की हेल्प से। मस्करा लगा के मैं अपना फाइनल लुक कंप्लीट करूंगी। आपको मस्करा लोअर लैश पे भी अच्छे से अप्लाई कर लेना। और ये हमारा फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसे मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बाय बाय, टेक केयर।